हाय गाइस, मेरे चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, ये पैटर्न मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कार्डिगन हो, जेंट्स स्वेटर हो, हाफ स्वेटर हो, बेबी स्वेटर हो, किसी भी स्वेटर में ये काफ़ी प्यारा लगेगा। ये देखिए, काफ़ी इस तरह से दिख रहा है और ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में कुछ इस तरह से दिखता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल में आप फंदे लेंगे और प्लस टू कर लेंगे। इसमें मैं 42 फंदे डाली हुई हूँ और इस 42 फंदे में आपको मैं बनाकर बताऊँगी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए, एक, दो और ये तीन फंदा हो गया। यहाँ पर तीन फंदा सीधा बुन लिए। अब यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये दोनों उल्टा वाला जो फंदा है, इसे हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और ये दोनों सीधा वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। दो फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करेंगे। ये देखिए, एक फंदा को हम इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा, जाली बनाते हुए दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर चार फंदा सीधा बनाएंगे, एक, दो, तीन और ये चार फंदा। फिर यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, दो फंदा का एक फंदा। धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदा सीधा। देखिए, ये जो दो फंदा हमारा नीचे से सीधा आ रहा है, उसी दो फंदे को हम सीधा बुने हैं। फिर धागा आगे करेंगे और इस तरह से फंदे को पलट लेंगे और यहाँ पर भी दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। देखिए, एक फंदे बढ़ भी रहे हैं, एक फंदे घट भी रहे हैं, तो हमारे फंदे जो हैं कम नहीं हो रहे हैं, जितने के उतने फंदे रह रहे हैं। फिर चार फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन और ये चार फंदा। फिर यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदा सीधा, जाली बनाते हुए दो फंदा सीधा। फिर धागा आगे करेंगे, सामने वाले फंदे को इस तरह से पलट कर रख लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बैक लूप से हम ऐसे बनाएंगे, चार फंदा सीधा, दो, तीन और ये चार फंदा सीधा। फिर यहाँ पे ये दो फंदा है, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से नीचे से लेते हुए। धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदा सीधा। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे को इस तरह से पलटेंगे और दो फंदों का एक फंदा इस तरह से बैक लूप से बनाएंगे। फिर इधर चार फंदा हमारा बच जाता है, सेम सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन और चार। ये हुआ सेवंथ रो। सेवंथ रो कंप्लीट हुआ। एट रो हम सारे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड में सारा पूरा पैटर्न में हम उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे ही बुनेंगे। तो रो नंबर ये एट हुआ। रो नाइन। रो नाइन में देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से, एक, ये दो फंदा हुआ और यहाँ पर ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। देखिए, दो फंदों का एक फंदा। देखिए, धागे को फिर इस तरह से हम लपेटते हुए जाली बनाएंगे और ये जाली वाले जो पिछले रो की हैं, इसे हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदा सीधा, धागा आगे, एक ये उल्टा। ये जाली वाला जो फंदा है हमारा पिछली रो का, रो का ही सेम उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए, इस तरह से फंदा पलटेंगे और धागा को आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा हम बैक लूप से बना लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक और ये दो फंदा। फिर ये दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, दो फंदों का एक फंदा। देखिए, फिर
ये प्रोसेस जो है रिपीट हो रहा है। फिर धागे को इधर से ऐसे पलटते हुए हम जाली बना लेंगे और यहाँ पर ये फंदा को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे और ये दो फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, सॉरी धागा आगे ही रहने देना है और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से जाली बनते हुए हमारा दो फंदों का एक फंदा हो जाएगा। फिर दो फंदा सीधा इस तरह से, दो फंदा सीधा ये इस तरह से देखिए, नीचे से डालते हुए दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा घुमाएंगे इस तरह से, आगे लाएंगे घुमाकर और ये वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये सीधे वाले जो दो फंदे हैं ये लास्ट तक हमारा सीधा ही जाएगा। देखिए दो फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा और ये धागा को आगे ही रहने देंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट कर दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा, इस तरह से दो फंदा सीधा एक और ये दो फंदा, फिर यहाँ पर ये दो फंदों का एक फंदा इस तरह से नीचे से डालते हुए, फिर इस तरह से घुमाते हुए हम इस तरह आगे लाएंगे धागे को और ये वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा, ये फिर देखिए सीधे वाले जो दो फंदे हैं हमारा सीधा आ रहा है, ये अभी भी सीधा बनेगा, धागा पीछे कर लेंगे और दो फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा को आगे ही रहने देंगे, ये वाले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से जाली बनते हुए दो फंदों का एक फंदा, फिर ये लास्ट का तीन फंदा ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारा रो नंबर 9 कंप्लीट हुआ और रो नंबर 10 को सारे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुनकर रो नंबर 11 हम कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 10 उसके बाद हो गया, ये रो नंबर 11 में है। ये देखिए दो फंदा पहले हम ये पहले फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ पर ये दो फंदों को हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से नीचे से डालते हुए दो फंदों का एक फंदा, फिर इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर दो फंदा उल्टा, एक फंदा और ये दो फंदा, धागा पीछे, ये देखिए ये जो दो फंदे हैं वो सीधे ही आ रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, दो फंदा सीधा, फिर से देखिए धागा आगे करेंगे फिर दो फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे, इस तरह से पलटेंगे फंदे को, दो फंदों का एक फंदा जाली बनाते हुए इस तरह से हम बना लें, बैक लूप से बनाएं। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे करेंगे इस तरह से लपेट कर और दो फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदा सीधा, धागा आगे दो फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे और ये फंदे को इस तरह पलट कर दो फंदों का एक फंदा जाली बनाते हुए इस तरह से, फिर यहाँ पर देखिए ये दो फंदों का एक फंदा, इस बीच में आप कोई फंदे नहीं बच जाते हैं, दो फंदों का एक फंदा यहाँ बना, दो फंदों का एक फंदा, बस ये दो फंदा ही है। फिर धागा आगे करेंगे इस तरह से लपेटते हुए और दो फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदा सीधा, धागा आगे दो फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे और इस तरह से फंदे को पलटेंगे और दो फंदों का एक फंदा इस तरह से बना लेंगे जाली बनाते हुए। फिर देखिए यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा इस तरह से,
इस तरह से घुमाते हुए आगे लाएंगे धागे को और दो फंदा उल्टा। धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदा उल्टा। धागा आगे ही रहने देंगे और ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। पहले फंदे को इस तरह से हम पलट लेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा इस तरह से बना लेंगे, फिर दो फंदा सीधा। रो नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब रो नंबर 12, सारे फंदे को हम उल्टा बुन लेते हैं। उल्टे बुनकर 12 रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ट्वेल्व रो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ से यहाँ तक अभी अभी हम बनाए हैं। अब आगे देखिए सेम प्रोसेस है बट थोड़ा सा पैटर्न जो है एक दूसरे जगह पर शिफ्ट हो रहा है। तो कैसे आगे स्टार्ट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये जो दो फंदे हैं हमारे यहाँ पर, ये दो फंदे हमारे सीधा जाएगा। अब आगे से हमारा पहले ये दो फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। धागा आगे, आठ फंदा उल्टा। देखिए सेम रो वन हम स्टार्ट कर रहे हैं, दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ फंदा उल्टा फर्स्ट रो हमारा चल रहा है। जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट किए थे, आप पहले वीडियो के स्टार्ट में ही हम बताएं यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है, आठ फंदा उल्टा दो फंदा सीधा इस तरह से। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये वाले जो बीच वाले ये दो फंदे हैं, ये दो फंदे हमारे सीधे में आएंगे। धागा आगे, फिर यहाँ पर आठ फंदा उल्टा, दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ फंदा। धागा पीछे, देखिए ये दो फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं सीधे। धागा आगे और फिर आठ फंदा उल्टा, दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ फंदा। धागा पीछे, फिर ये दो फंदे देखिए, ये वाले दो फंदे हमारा सीधा। ये जो दो फंदा हमारा चल रहा था, ये फंदा अब हमारा यहाँ चलेगा। धागा आगे, फिर यहाँ पर आठ फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात ये आठ फंदा। धागा पीछे और ये लास्ट में हमारा दो फंदा सीधा और एक एक्स्ट्रा बच जाता है, इसे हम सीधा ही बुन लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रो हुआ। सेकेंड रो हम सारे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए सिक्स रो कंप्लीट करने के बाद ये पर्ल वाले तीन लाइन दिखने लगते हैं और ये देखिए इस तरह से हुआ। ये वाला जो सीधा हमारा नीचे का पैटर्न में आ रहा था वो दो लाइन का दो फंदे का, ये दो फंदा हमारा अब यहाँ पर आने लगा इस तरह से। और आगे हमारा सेम प्रोसेस है। ये देखिए दो फंदा हमारा जैसे सीधा है, देखिए दो फंदा तो हम सीधा बुन ही लिए। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम जाली बना रहे हैं दो फंदों का एक फंदा। तो पहले हम फंदे को इस तरह से पलट लेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। फिर यहाँ पर देखिए ये दो फंदों का एक फंदा इस तरह से। धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदा हमारा सीधा होगा, फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा, जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा। देखिए सेम प्रोसेस है, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन और ये चार। फिर यहाँ पर देखिए ये दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से।
धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, फंदे को इस तरह से पलटेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा इस तरह से, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन और ये चार, फिर यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा इस तरह से, धागा आगे और जाली बनाते हुए दो फंदा सीधा, धागा आगे, फंदे को इस तरह से पलटेंगे और दो फंदों का एक फंदा इस तरह से बैक लूप से। फिर यहाँ पर चार फंदा सीधा, एक दो तीन और ये चार, फिर यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा इस तरह से, धागा आगे करेंगे और दो फंदा सीधा, और एक्स्ट्रा वाला ये है एक फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उल्टी साइड से सारे फंदे को उल्टा बुनना है। रो नंबर 9। अब इसमें देखिए दो फंदा हम पहले स्टार्ट के सीधा, एक फंदा स्लिप कर लिए, एक फंदा सीधा बुन लिए, धागा आगे करेंगे, एक फंदा यहाँ पर ये उल्टा, धागा को इधर ही रहने देंगे और यहाँ पर जाली बना लेंगे, जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे, दो फंदा सीधा, एक फंदा और ये दो फंदा, फिर यहाँ पर देखिए ये दो फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से धागा को आगे लाएंगे लपेट कर, और ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और दो फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, और धागा आगे ही रहने देंगे और फंदे को इस तरह से पलट कर रखेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये सीधे दो फंदे हैं, उसके दोनों साइड इस तरह से जाली बन रहा है, फिर दो फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा इस तरह से, धागा को ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे और ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, और आगे ही रहने देंगे धागे को, और फंदे को इस तरह से पलट कर रखेंगे और बैक लूप से जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा, फिर से दो फंदा सीधा, फिर यहाँ पर दो फंदा एक साथ, धागा को ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदा सीधा, फिर से देखिए धागा आगे एक फंदा उल्टा, और धागा आगे ही रहने देंगे, फंदे को पलटेंगे और दो फंदों का एक फंदा जाली बनाते हुए बैक लूप से इस तरह, फिर दो फंदा सीधा, दो फंदा इस तरह एक साथ, और धागा घुमाते हुए इस तरह आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और ये तीन फंदा हमारा लास्ट है, ये तीन फंदा सीधा। बैक साइड से सारे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। ये रो नंबर 10 है। रो नंबर 11, ये देखिए दो फंदा हमारा सीधा, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुन लिए, धागा आगे करेंगे और ये उल्टा, एक फंदा दो फंदा उल्टा, धागा आगे रहने देंगे और यहाँ पर फंदे को पलटकर दो फंदों का एक फंदा जाली बनाते हुए इस तरह से, यहाँ पर फिर ये दो फंदों का एक फंदा बनेगा। अब जो देखिए आगे जो पैटर्न होगा इसमें ये दो फंदे हमारे सीधे चलेंगे ये, ठीक है, फिर यहाँ पर इसे धागा घुमाकर इस तरह से लाएंगे और दो फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदा सीधा, धागा आगे दो फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे और इस तरह से पलटेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये दो फंदा का एक फंदा इस तरह से, धागे को इस तरह से पलटकर आगे लाएंगे,
दो फंदा फिर उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये वाले दो फंदा हमारा सीधा होगा। फिर से धागा आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे और इस तरह से। दो फंदों का एक फंदा, फिर इधर से दो फंदा इस तरह, ठीक है। फिर धागा को इस तरह लपेटते हुए आगे लाएंगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, दो फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे, फंदे को इस तरह से पलटेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा जाले बनाते हुए इस तरह। फिर यहाँ से दो फंदा इस तरह, एक फंदा, दो फंदों का एक फंदा, धागा इस तरह से लपेटते हुए आगे लाएंगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये लास्ट का तीन फंदा हमारा सीधा, एक दो और ये तीन फंदा। रो 11 कंप्लीट हुआ। अब रो 12 सारे फंदे को उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ट्वेल्व रो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए पैटर्न इस तरह से बनकर तैयार है। फिर से अब स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये दो फंदे जो हैं, यहाँ पर हमारे दो फंदे आएंगे और इधर उल्टा, ये आठ फंदा, ये दो फंदा सीधा, दो दो चार, ये पांच फंदा स्टार्ट का। फिर जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए थे फिर उसी तरह से पाँच फंदा उल्टा, ये दो फंदा सीधा, ये आठ फंदा फिर उल्टा, दो फंदा सीधा, आठ फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर दो फंदा सीधा, आठ फंदा उल्टा, इस तरह से फिर आगे हमारा पैटर्न बढ़ते जाएगा। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।